बहू ये लो साड़ी और इसके साथ के गहने, जल्दी से तैयार हो जाओ, हमें कुलदेवी की पूजा के लिए चलना है। जी माँ जी, कहकर सुजाता ने अपनी सास लीला जी से वो सामान ले लिया। लीला जी कमरे से बाहर आई तो उनकी बेटी बोली, माँ ये तो आपकी साड़ी है ना। लीला जी ने उसे चुप रहने का इशारा करते हुए कहा, तो क्या हुआ, इतने सालों से ऐसे ही पड़ी है तो इसे ही दे दी, इसे कौन सा नए पुराने की परख होगी। दिखने में तो वो साड़ी बहुत सुंदर लग रही थी, लेकिन उसमें लगे गोटे और सितारे सुजाता को बहुत चुभ रहे थे। सुजाता उसे पहनकर बहुत असहज महसूस कर रही थी। सुजाता ने दबे स्वर में कहा, माँ जी ये साड़ी बहुत भारी है, मुझसे संभल नहीं रही। लीला जी मुंह बनाते हुए जट से बोली, हाँ हाँ मुझे तो पहले से ही पता था कि जिसने अपने माँ बाप के घर में कभी इतने भारी कपड़े गहने देखे भी नहीं, वो कैसे इनको पहन पाएगी। वो तो हमारे खानदान की रीत है ये सब पहनने की, इसलिए देने पड़े। सुजाता हक्की बक्की रह गई कि इस बात में उसके माता पिता कैसे आ गए। शादी से पहले भला कौन लड़की इस तरह के कपड़े गहने पहनती है। नई दुल्हन थी, अभी शादी के 2 दिन ही हुए थे। सारे परिवार के बीच अपने माता पिता के ऊपर की गई ये टिप्पणी सुजाता चुपचाप सह गई और पूजा के लिए चल पड़ी। ससुराल में सभी खाने पीने के शौकीन थे, इसलिए रसोई में रोज ही ढेरों व्यंजन बनते थे। सुजाता को घी की खुशबू ज्यादा पसंद नहीं थी। लगातार गरिष्ठ खाना खाने के कारण उसका जी मिचलाने लगा। जब खाने की टेबल से उठकर वो वॉशरूम में भागी तो भी सास बोले बिना नहीं रही, मायके में तो कभी हमारे घर जैसा खाना खाया नहीं होगा, इसलिए अच्छा खाना हजम नहीं हो रहा। सुजाता के कानों में ये शब्द पड़े तो उसकी आंखें छलक आई। जब गरीब घर की बेटी पसंद नहीं थी तो क्यों ऐसे घर से रिश्ता जोड़ा, इसलिए ताकि हर बात पर उसे और उसके माँ बाबा को जलील कर सके। वो चिल्ला चिल्ला कर सब कुछ कह देना चाहती थी, लेकिन उसके माता पिता का चेहरा उसकी आंखों के आगे आ जाता, जो कह रहे थे, बिटिया ससुराल का मान बनाए रखना। खून के घूंट पीकर सुजाता चुप रह गई। ससुराल में सारी सुख सुविधाएं थी, लेकिन घर के काम घर की औरतें ही करती थी। सुजाता के आगे आज कपड़ों का ढेर लगा था, सामने ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन भी रखी थी, लेकिन सुजाता को पता नहीं था कि उसे चलाते कैसे है। सुजाता ने अपने ननद के पास जाकर पूछा, दीदी ये मशीन कैसे चलती है। सुजाता के पूछते ही ननद जोर से हंस पड़ी। लीला जी ने सुना तो वो भी व्यंग से मुस्कुराते हुए बोली, बेटा इसे बता दे कि ये मशीन कैसे चलती है। आजकल तो नौकरों को भी पता होता है कि वॉशिंग मशीन कैसे चलती है, लेकिन तेरी भाभी का भी क्या दोष है, बेचारी ने अपने बाप के घर कभी ऐसी मशीन देखी ही नहीं होगी। सुजाता के गालों पर आंसू लुढ़क आए। उसने मन ही मन निर्णय किया कि बहुत हो गया, यदि ससुराल का मान रखना बहू की जिम्मेदारी है तो माँ बाबा का मान रखना भी एक बेटी का कर्तव्य है। उसने अपने आंसू पोंछे और बोली, सच कहा आपने माँ जी, मैंने अपने बाबा के घर सच में ये सब नहीं देखा। मैंने अपने बाबा के घर ये भेदभाव कभी नहीं देखा जो यहाँ मेरे साथ होता है। रोज रोज ये जो आप मेरा अपमान करती है, वो भी मैंने बाबा के घर नहीं देखा। वहां भले ही रोज रोज पकवान ना बनते हो, लेकिन जो भी बनता था वो हम हंसी खुशी खाते थे, और सच पूछिए तो वो सादा खाना भी आपके यहाँ के 56 भोग से अच्छा था, क्योंकि वो मुझे सम्मान और अपनेपन से मिलता था। मैंने अपने बाबा के घर प्यार और संस्कार देखे जो शायद इस घर में मुझे कभी नहीं दिख पाएंगे। लीला जी अवाक सी सुजाता का मुंह देख रही थी। तभी सुजाता का पति अविनाश उनकी बहस सुनकर एक हाथ में बैसाखी लिए वहां आ गया। माँ सुजाता ठीक कह रही है, आप इसके मायके की आर्थिक संपन्नता की तुलना खुद से कर रही है, तो मेरी शारीरिक संपन्नता की तुलना भी क्यों नहीं करती। इसके माता पिता ने इसे संस्कारों की दौलत दी है, तभी तो शारीरिक रूप से एक पैर से अपाहिज होने पर भी ये मुझे और आपको पूरा मान सम्मान दे रही है। सुजाता ने आगे बढ़कर अविनाश के मुंह पर हाथ रख दिया। नहीं नहीं प्लीज आप खुद को मत कोसिए, आपके साथ जो दुर्घटना हुई वो किसी के साथ भी हो सकती है,
वैसे भी मैंने आपसे शादी आपका बड़ा दिल और सौम्य स्वभाव देखकर ही की है। लीला जी की आंखें नम हो रही थी। अविनाश सच ही तो बोल रहा था। इतनी दौलत और जायदाद होने पर भी एक पैर में कमी हो जाने के कारण किसी अमीर घराने की लड़की उससे शादी करने को तैयार नहीं थी। तब लीला जी के भाई ने ही अपने जान पहचान के मध्यम वर्गीय परिवार की सुजाता का रिश्ता सुझाया था। लीला जी ना चाहते हुए भी अविनाश का रिश्ता लेकर सुजाता के घर गई थी, क्योंकि वो भी हर माँ की तरह अपने बेटे का घर बसता हुआ देखना चाहती थी। अविनाश फिर बोला, माँ, घर की बहू तो खुद ही गृहलक्ष्मी होती है, इसलिए आपसे विनती है कि आप इसका भी बाकी सदस्यों की तरह सम्मान करें। लीला जी ने सुजाता से माफी मांगते हुए कहा, मुझे माफ कर दो बहू, मैं ही भूल गई थी कि जिसे मैं हर दिन अपमानित करती हूँ उसने मेरे बेटे का मान बढ़ाया है। लीला जी ने सुजाता को गले लगा लिया। दोनों की आंखों से अश्रु धारा बह रही थी। अविनाश का मन भी हल्का था, क्योंकि उसकी अर्धांगिनी अब सच में उसके परिवार का हिस्सा बनने जा रही थी। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, और ऐसी और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।